एलपीजी गैस फी किलो 7 रुपए मजीद बढ़ा दिया है। इधर तो जो आता है लूटने के लिए आता है पाकिस्तान, कोई 260 रुपए दे रहे हैं, कोई 270 रुपए दे रहे हैं, कोई 280 रुपए दे रहे हैं। हुक्मरान तो कहते हैं मर जाए भूखे, बस गवर्नमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया। मसाइल नहीं है, मसाइल ही मसाइल है पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज साहब, रिक्शा चलाते हैं आप, कितने की बचत हो जाती है आपको? एलपीजी की कीमत 7 रुपए फी किलो मजीद बढ़ा दिया उन्होंने, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। लाखों पैसे कमा रहे हैं आप रोजाना के, जो महंगाई करते जा रहे हैं ये? बाबा उससे भी कम हो गए हैं, अगर रोटी खाते हैं 3 टाइम की, 2 टाइम की हो गई है। अच्छा। गुजारा नहीं होता, बिल्कुल गुजारा नहीं होता। 3 टाइम से 2 टाइम पे आ गए? 2 टाइम पे आ गए हैं भैया। 1200-1300 बचाई था, 500 मालक न दे दी था, कुछ 600-700 आप ले जाइएगा। गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है। ये रिक्शा अपना नहीं है आपका? नहीं, किराए का है। कितना किराया देते हैं? 500 रुपया इसका रेंट देते हैं। डेली का 500? डेली का 500। गवर्नमेंट ने 7 रुपए फी किलो गैस मजीद महंगी कर दी है भाई, पहले ही महंगी दे रहे हैं। तो कोई 260 रुपए दे रहे हैं, कोई 270 रुपए दे रहे हैं, कोई 280 रुपए दे रहे हैं। रेट दे कोई फिक्स प्राइस किसी दे है ही नहीं, हर दुकानदार का अपना रेट है। और जो थोड़ा हट के शहर तो उन्हें 280 तो कट देने नहीं, जो मैं कुछ 290 भी दे देना। ब्लैक गवर्नमेंट ने 244 रेट कर दिया जो कीमत बढ़ने के बाद, तो वो तो फिर 200 से ऊपर चले जाएंगे, 300 तक चले जाएंगे, 300 तक देंगे, 290 या 300 तक देंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से, गरीब बंदा किधर जाए? असं तो यही कह सकते वजीर अल्लाह पंजाब के मेहरबानी कर सारे जरा रेट सैट करा और चीज़ जी अच्छी हो जाए। कई ने कंडा च फर्क है, तौल पूरा नहीं है, तो उन्होंने साड़ी यही अपील हैगी, उन्होंने मेहरबानी जरा इन्होंने चीज़ों का गौर कर। एल पी जी गैस जो है 7 रुपये उसकी कीमत बढ़ा दी गई है फी किलो के हिसाब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? आपको भी कोई बचत फिर होगी या नहीं? बचत तो फिर सर कैसे होगी, क्योंकि ये सर्दियों में रेट ज़्यादा कर देते हैं, गर्मियों में कम कर देते हैं। तो उसकी वजह यही है ना कि फिर आम ने तो परेशान होना ही है ना, क्योंकि गैस घर में भी आती है कि नहीं आती, तो फिर भी वो बिल भेज रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। घर में सुई गैस है या सिलेंडर यूज़ करते हैं? सर सिलेंडर। सिलेंडर जनाब, फिर गुड न्यूज़ ये है कि 7 रुपये फी किलो महंगाई हो गई है गैस के अंदर, तो अभी ये 244 रुपये किलो चली गई है, क्या कहेंगे इस हवाले? सर बात ये है कि पाकिस्तान का नौजवान हूँ मैं लड़का, ठीक है, तो शादी मेरी हुई है, 20,000 सैलरी है मेरी, ठीक है, तो 8-8.5 हज़ार रुपया किराया, बत्ती का बिल है और गैस का भी इतना बिल आ जाता है, इसलिए मैंने गैस उतार दी है, ठीक है, सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ। सर 20,000 सैलरी है मेरी, गुजारा नहीं इधर हो रहा पाकिस्तान में, ठीक है, यही हम गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी है कि हमारे पे कुछ तरस खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत अली साहब, 7 रुपये एलपीजी गैस मजीद महंगी हो गई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? आप लोगों के तो रिक्शों में चलती है ही गैस है। हाँ जी, ये देखो ना जी, बिल बहुत इन्होंने बढ़ा दिए हैं, इसके अलावा एलपीजी के जो रेट हैं वो बढ़ा दिए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गुजारा करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। 2 दिन दी देखा, कोई 3 लाख कमा लेते हैं आप रिक्शा? नहीं 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 सर, 3,30,000 की बात करें। 30,000 की? हाँ जी, सिर्फ सिर्फ। तो हुकूमत को नहीं पता कि आप 30,000 कमाते हैं, आपके ऊपर 7 रुपये मजीद महंगी कर दिया गया? बस हुकूमत को क्या पता, उनके वो रिक्शे तो नहीं ना चलाते, चलाते तो हमें पता है, वो तो गवर्नमेंट है उसका, उन्हें क्या पता है। मरियम नवाज को हमारी तो यही इल्तजा है कि गरीबों का ख्याल रखें और महंगाई पे ज़रा कंट्रोल करें, वसायल नहीं है, मसायल ही मसायल हैं पाकिस्तान के अंदर। सुबह 6 बजे हले 8-9 बज जाने, फिर जाके दिहाड़ी का मुँह वेखना, फेरा ला के पता नहीं किन्ने बजते हो, किन्ने नहीं बजते, 500 बजता, 1000 बजता, 1200 बजता, कोई पक्का नहीं पता कितने बजते? नहीं भाई पक्का कोई पता नहीं है किन्ने बजते। हुकूमत को कहना चाहोगे? हुकूमत को कहेंगे महंगाई तोड़न, सस्ती सस्ता काम नहीं, थोड़ा लक तोड़ना, लक तो टुट गया, लक कर टुटे हूँ, बत्ती का बिल हर शह महंगी की जा रहा है, लक तो टुट गया माड़े जी का। हाँ जी, गुजारा मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है भाई। सवारी को अगर तुम किराया बताओगे तो की करेगी सवारी? लड़ाई कर दी सवारी, कही 100 रुपया मांगे का किराया, सवारी कहती है असी तो अस्सी दे के जाने, 10 घट ही देने में, सवारी भी साढ़े ना बैस दी लड़ती है। बच्चों को भुखे मारो मरो, बस जा गरीब आदमी ने मार छड़े लोगों ने, नहीं कोई किराया नहीं, हर चीज़ का खान पीन, बच्चे अजकल लोग टेंशन ज्यादा मार रहे हैं, चीज दी वध गई है, बिल वध गया, बिजली का बिल वध गया, तेल वध गया, अगली चीज वध गई है, इन्होंने चीजा ने मर गए, महंगे हुए किराए, बड़े महंगे हुए,
हर चीज महंगी तीन लोग जवान घर बैठिया ने बेचारे सोच रहे ने कि शादियां करिए कि कुछ करिए जाहिर है तू गैस महंगी हो गई हर चीज महंगी पेट्रोल महंगा बिजली महंगी की हो रहा है तो असि की कर सकते आवाम ने तो मरना ही है अपने अपने घर बह के और की कर तो भाजी कितना खर्चा आ जाता घर तुहानू जिहड़ा गैस चलांदे हो सिलेंडर सिलेंडर का सिलेंडर का तो रोज वधी हुंदी 20 रुपए अज बाद गई है रात नूं पवा के आओ सुबह जाओ 1 किलो गैस पवाई दी है ओंदे विच 100 रुपया फिर वधी 20 रुपए वध गई है 10 रुपए वध गई है इंज हो गया और रोज जदों जाओगे तो वह दिहाड़ी जिहड़ी है मर्द की वह 1500 है तो 2000 है तो उन्हें की शाम नूं करेगा कोई बच्चों की जुत्ती कपड़ा बेटियां जवान करी पाकिस्तान के ला दी ऐसे कुछ महंगाई के तोड़ दी है कुछ कमर तोड़ दी महंगाई ने कुछ वाम ने तोड़ दी है उम्मत ही मारी माशाल्लाह जो भी बैठता अपनी जेबे बढ़ के आगे होता है। आप ये इधर स्टॉल लगाते हैं तो गुजारा अच्छा हो रहा है आपका यहाँ बस गुजारा ही है पाकिस्तान का अंदर कोई भी काम है गुजारा ही होता है दो वक्त की रोटी मिल जाए इतना ही बहुत है बहुत मुश्किल है हालात है हर चीज़ तो महंगी है पहले भी लोग रुपए में तरले करते फिरते हैं रोटी खाने तरसते फिरते हैं तीन टाइम वाले एक टाइम रोटी खा रहे हैं इस तो बाद महंगाई और की करनी है और साड़ा फोन पी लें इस तो बाद और असं कुछ नहीं कहना चाहते तो आप ये सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं क्या लगता है हुकूमत को कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं उन्होंने यही लगता जी साढ़े तो तले दुनिया है ही नहीं माड़े तो माड़ा समझते ही नहीं माड़े गरीब न समझते होंगे तो गरीब है तक कुछ सोचते वो तो सोच रहे हैं साडा सीधा हो जाए अपने केस ठीक हो जाए गल खत्म हो जाए एल पी जी यूज़ करते हो हाँ जी जब गैस नहीं आती तो करनी पड़ती है वो तो वो भी महंगी होगी हर चीज़ महंगी हो रही है गुजारा करना मुश्किल है बहुत मुश्किल है मुश्किल नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है कोई अल्लाह का खौफ करे कोई गरीब आदमी की तरफ देखे सोचे सिर्फ ये नहीं है कि आके अपनी जेबें भरते रहे मुझे 20 साल हो गए इस हुकूमत को देखते हुए जो मैंने जब से होश संभाला तो मैंने तो तरक्की कुछ मुल्क में देखी कोई नहीं है मुल्क दिन ब दिन नीचे ही गया हुकूमत ने 7 रुपए फी किलो LPG गैस मजीद बढ़ा दिया क्या कहेंगे इस हवाले से जी बिल्कुल बहुत ज्यादती की आवाम के साथ बिल्कुल ज्यादती है इसके और इस पर हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना चाहिए और बहुत अफसोस है कि यह हुकूमत गैस बढ़ा रही है।